नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक इलेक्ट्रिक बोर्ड को वायरिंग कनेक्शन कर जिसमें 5 वन वे स्विच लगाया हुआ है, 2 3 पिन सॉकेट लगाया हुआ है, 1 फ्यूज और 1 इंडिकेटर। इन सभी को कनेक्शन कैसे होता है, एक एक पॉइंट समझाकर हम आपको विस्तार से बताएंगे। इस वीडियो को अगर आप एक बार ध्यान पूर्वक देख लेते हैं, कोई भी बोर्ड को वायरिंग कनेक्शन करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहले स्विच और 5 पिन सॉकेट या 3 पिन सॉकेट इस बोर्ड में कैसे नट बोल्ट लगाकर कसा जाता है, ये आप पहले समझ लीजिए। तो देखिएगा, कोई भी कंपनी का अगर स्विच आप लेते हैं या 5 पिन सॉकेट या 3 पिन सॉकेट लेते हैं, तो इसमें उल्टा और सीधा रहता है। तो अगर आप उल्टा कनेक्शन कर दीजिएगा ना, तो उल्टा पुल्टा काम करेगा। तो यहाँ पे देखिएगा, सब खेल है इसको कसने में। देखिएगा, इस स्विच पे एक लोगो है, ये एंकर कंपनी का स्विच है, तो इसमें एंकर लिखा हुआ है, ये सीधा होना चाहिए। जो लोगो है ना इस कंपनी का, ऊपर होना, इस स्विच में नीचे लोगो नहीं होना, ऊपर की तरफ लोगो रहेगा। तो इसमें नट बोल्ट लगाकर एक बराबर कस दीजिएगा। सभी स्विच और 3 पिन सॉकेट या इंडिकेटर या फ्यूज में लोगो ऊपर ही होना चाहिए। उसके बाद में इसको कनेक्शन कैसे करना है, तो कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले हम इसको इस तरह यहाँ पे रख दे रहे हैं। तो इस बोर्ड में कनेक्शन करने के लिए देखिएगा, जैसे इसको हम पलट कर रखें, स्विच मेरा सभी नीचे की तरफ है और बीच में 2 3 पिन सॉकेट है और ये इंडिकेटर है जिसमें वायर निकला होगा और ये फ्यूज है। तो सबसे पहले हम स्विच से कनेक्शन करना स्टार्ट करेंगे। तो हम एक ही तार से सभी बोर्ड में कनेक्शन करेंगे, इसमें ना रेड लेंगे ना ब्लैक लेंगे, कोई भी एक कलर का तार हो उससे हम कनेक्शन करना आज आपको सिखाएंगे। तो मेरे पास अभी देखिएगा, ये ग्रीन कलर में वायर है, ग्रीन कलर से ही सभी बोर्ड का हम वायरिंग करेंगे। तो जितने भी स्विच है, सभी स्विच के नीचे वाला जो टर्मिनल है उसमें एक वायर बड़ा, इतना बड़ा ले लीजिएगा, इतना बड़ा लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका पीवीसी पेपर उतार दीजिएगा, इसको इतना बड़ा आप पहले छील दीजिएगा। उसके बाद इस स्विच के जो निचले वाला टर्मिनल है इसको माला की तरह इसमें इस वायर को लगा देना है। तो यहाँ से आप इस तरह वायर को यहाँ से सीधे आप इसमें लगाते जाइएगा, यानी पांचों जो स्विच है, पांचों स्विच की जो निचले वाला टर्मिनल है उसमें इस वायर को पहले आप माला की तरह फंसा दीजिएगा। उसके बाद में ये पांचों स्विच की जो नट है इसमें आप इसको टाइट कर दीजिएगा। तो इस पांचों स्विच की नट को यहाँ पे हमने टाइट कर दिया। अभी जो हम कनेक्शन कर रहे हैं, फेज का कनेक्शन करते हैं। बोर्ड में 2 ही तार से कनेक्शन होता है, न्यूट्रल और फेज। अगर आपके पास अर्थिंग है तो अर्थिंग का भी कनेक्शन कर सकते हो, लेकिन 90% बोर्ड में जो हम लोग की गांव देहात में लगता है उसमें 2 ही तार से कनेक्शन किया हुआ रहता है। और ये तार जो बचेगा, यहाँ पे फ्यूज है तो फ्यूज की यहाँ पे निचले वाला भाग वाला टर्मिनल पे यहाँ तक वायर चलाना। उसके बाद इंडिकेटर में देखिएगा, 2 वायर है, एक न्यूट्रल में कनेक्शन होगा और एक फेज में कनेक्शन होगा। एक छोटा सा वायर लीजिएगा और एक तार में इस तरह जोड़ दीजिएगा ताकि पहले जो आता था इंडिकेटर एंकर का, उसमें 2 टर्मिनल रहता था, लेकिन अब इसमें वायर दे दिया हुआ। तो इस तरह जोड़ दीजिएगा और इस जहाँ पे ज्वाइन किए हैं उस पे आप इलेक्ट्रिक टेप लगा दीजिएगा। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक टेप लगा दिए। उसके बाद में जो फ्यूज की निचले वाला टर्मिनल है उतना बराबर यहाँ पे इतना बड़ा माप कर इस वायर को कट कर लीजिएगा। और जो स्विच से हम तार ले गए हैं यहाँ पे और ये जो इंडिकेटर से तार आया है, दोनों को एक साथ ज्वाइन कर देना। जब एक साथ इसको ज्वाइन कर दीजिएगा तो जो फ्यूज का एक नीचे वाला टर्मिनल है इस पे लगाकर इसको कस देना है। यहाँ तक हम फेज का कनेक्शन ही अभी कर रहे हैं। उसके बाद में ये दोनों जो सॉकेट है, दोनों सॉकेट को एक ही स्विच से हम कंट्रोल करेंगे। तो इस सॉकेट में भी आपको न्यूट्रल और फेज की 2 टर्मिनल मिलेगा। यहाँ ध्यान से देखिएगा, 2 यहाँ पे आपको होल दिखाई देता होगा, एक होल फेज का रहता है और एक होल न्यूट्रल का रहता है, इस पे लिखा हुआ रहता है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एल लिखा हुआ है और यहाँ पे एन लिखा हुआ है, ये न्यूट्रल का हो गया और ये लाइन का हो गया। उसके बाद एक वायर लेंगे और स्विच की एक पॉइंट पे, यानी एक पॉइंट तो पहले हम इस पे तो जोड़ चुके हैं, दूसरे वाला पॉइंट पे इस वायर को हम लगाकर यहाँ से इस नट को टाइट कर देंगे। जब इस नट को यहाँ से टाइट कर दीजिएगा, जो सॉकेट है, सॉकेट की एल वाला पॉइंट पे यहाँ पे हम लाकर इसको कस देंगे। तो इस वायर को यहाँ पे एल वाला पॉइंट पे हम कस दिए।
उसके बाद उसी में से जो हम वायर ज्वाइन किए थे उसको लाकर दूसरे वाला सॉकेट पर हम यहाँ पर इसको भी कस देंगे। तो इस प्रकार एक स्विच से दोनों सॉकेट को हम कंट्रोल करेंगे, इसलिए इस तरह एक स्विच से हम दोनों सॉकेट पे कनेक्शन कर दिए। उसके बाद जो चार स्विच इसमें बच गए, इस चारों स्विच को हम बाहर आउटपुट के लिए निकालेंगे। बाहर तार जो निकालेंगे उसके लिए हम चार वायर ले लिए, देख सकते हो, और एक एक स्विच पे एक एक वायर को हम जोड़ेंगे। यहाँ पे देखिएगा सभी स्विच में अभी एक एक टर्मिनल यहाँ पे बाकी है, तो एक एक टर्मिनल पे एक एक वायर को इस तरह हम लगाकर इसमें कस देंगे। फिर दूसरा तार लेंगे और दूसरे वाला स्विच पे इस तरह हम लगाकर इसको भी यहाँ से हम टाइट कर देंगे। फिर तीसरा तार लेंगे और तीसरे वाला स्विच पे हम लगाकर इस तरह कस देंगे। उसके बाद चौथा तार लीजिएगा और चौथा तार को इस स्विच पे लगाकर इसको भी यहाँ से टाइट कर दीजिएगा। जब चारों स्विच पे चार तार से इस तरह कनेक्शन कर लीजिएगा तो ये बाहर निकलेगा, इस चारों तार यहाँ से ये बोर्ड से बाहर तार निकलेगा। ये अभी जो हम कनेक्शन कर रहे हैं लाइन का कनेक्शन यानी फेज का कनेक्शन कर रहे हैं, अभी एक ही वायर से ये कनेक्शन हो रहा है, इसमें अभी दूसरा वायर कनेक्शन नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ तक तो हम लाइन यानी फेज का कनेक्शन का तार लगभग 90% कर दिए, 10% अब फेज का कनेक्शन बाकी है। अब इसके बाद हम न्यूट्रल का कनेक्शन करेंगे। तो न्यूट्रल का कनेक्शन करने के लिए देखिएगा स्विच में तो हम मात्र फेज का ही तार से कनेक्शन कर दिए, न्यूट्रल का कनेक्शन करने के लिए सॉकेट में कनेक्शन करेंगे और इंडिकेटर में करेंगे। फ्यूज में तो न्यूट्रल का कनेक्शन होता नहीं है, तो इस तीनों में न्यूट्रल का तार हमको जोड़ना है। तो जो हम बाहर चार तार निकाले हैं ये फेज का तार यानी लाइन का तार निकाले, तो ये सिर्फ तो फेज का हो गया। अब इसमें न्यूट्रल रहेगा तभी तो काम करेगा बल्ब या पंखा, तो इसके लिए चार तार हम और लेंगे और इस चारों तार को एक साथ हम ज्वाइन कर देंगे ताकि न्यूट्रल सभी को हमको एक ही जगह से लेना है। तो इस तरह ज्वाइन करेंगे और एक और तार लेंगे यानी पांच तार लेंगे, इस यहाँ से पांच तार लेंगे, चार तार हमको एक बराबर लेना है ताकि बाहर निकालना है, और एक तार जो लेंगे इस सॉकेट से लेकर या इस सॉकेट तक जाएगा। तो पांचों तार को यहाँ पे हमने ज्वाइन कर दिया, देखिएगा 1 2 3 4 5 पांच गो तार को हम एक जगह ज्वाइन कर दिए, चार तार बड़ा है और एक तार छोटा है, और पांचों तार को लेकर सॉकेट की जो ये न्यूट्रल वाला है इस पे हम इसमें लगाकर इसको टाइट कर देंगे। जब पांचों तार को यहाँ पे इस सॉकेट पे लगाकर इसको कस लीजिएगा, उसके बाद में चार तार तो हम बाहर निकालेंगे, एक तार जो इसमें बच गया एक तार को यहाँ दूसरे वाला सॉकेट के न्यूट्रल पे कसना है। इतना बड़ा हम इसको माप लेंगे और यहाँ से इसको कट कर देंगे। अब इसको डायरेक्ट यहाँ पे नहीं जोड़ना है, इसमें भी हमको तीन तार जोड़ना होगा, तो यहाँ से इसमें का वायर में का पीवीसी हम यहाँ से उतार देंगे, और इंडिकेटर का वायर देखिएगा एक वायर अभी बाकी है, तो एक वायर को इसमें जोड़ना है, अभी इसको नहीं कसना है। अब जो इनपुट के लिए हम इसमें करंट देंगे उसके लिए हम एक दूसरा कलर चाहे एक ही कलर का तार निकाल सकते हो, लेकिन जब सब एक ही कलर का तार हो जाएगा तो इनपुट का और आउटपुट का तार पहचानने में दिक्कत हो जाएगा, इसलिए इसमें हम ब्लैक तार को निकालेंगे। तो ब्लैक तार इसमें हम जोड़ देंगे। अब तीन तार इसमें जोड़ देना है, उसके बाद में इस सॉकेट का जो न्यूट्रल वाला पॉइंट है, न्यूट्रल वाला टर्मिनल है, इस पे इस तीनों तार को कस देना है। तो दूसरे वाला सॉकेट पर जब तीनों तार को कस लीजिएगा तो हम इनपुट के लिए एक वायर तो निकाल दिए न्यूट्रल का, अब हमको एक फेज का तार इसमें निकालना है। तो फेज का तार निकालने के लिए हम रेड तार ही ले लेंगे या दूसरा कलर भी ले सकते हो, और उसको कहाँ पे कसना है तो यहाँ पे देखिएगा फ्यूज की एक टर्मिनल अभी बाकी है, तो फ्यूज की एक टर्मिनल पर एक वायर को कस ले, टर्मिनल पर रेड तार को हमने कस दिया। अब इसका कनेक्शन 100% कंप्लीट हो गया, लेकिन एक ही कलर का देखिएगा यहाँ पे जो हम आठ तार निकाले हैं, चार फेज का और चार न्यूट्रल का, इसको तो बाहर निकालेंगे या जब बोर्ड ये कस देंगे तो पहचानना मुश्किल हो जाएगा, तो इसको अंदर से ही हमको सेट करना होगा ताकि इनपुट के लिए एक ब्लैक और रेड निकाले हैं तो ये तो बहुत आसानी से पहचान आ जाएगा। तो इसको निकालने के लिए देखिएगा कैसे निकालेंगे, तो इस स्विच की एक तार लेंगे और इस 5-पिन सॉकेट पर हम जो वायर कसे हैं चार तार, इसमें से एक लेंगे और इस तरह इसको हम रस्सी की जैसा बांट देंगे और यहाँ पर इसको हम गांठ लगा देंगे, इस तरह गांठ लगा देंगे। उसके बाद में फिर इस स्विच से एक तार लेंगे और इस 5-पिन सॉकेट से एक तार लेंगे और इस तरह हम इसमें गांठ लगा देंगे ताकि न्यूट्रल फेज हमको
मिल जाएगा। तो इस प्रकार चारों जो तार हम बाहर निकाले हैं, न्यूट्रल और फेज का एक एक वायर को हम यहाँ पे ले लिए, देख सकते हो। अब सभी में हम दो दो तार लगाकर इसमें गांठ लगा दिए। अब चलिए इसमें हम लाइन का सप्लाई आपको देकर दिखा दे। अब इसको यहाँ पे हम रख दे रहे हैं और ये मेन तार हो गया। मेन तार में हम लाइन का सप्लाई देंगे। उससे पहले इसमें एक फ्यूज जो लगाया है, इसमें एक पतला सा वायर बांधना होगा ताकि कंपनी की तरफ से इसमें कोई भी वायर बांध कर नहीं आता है। तो इस तरह इसमें मात्र एक पतला सा वायर बांध दीजिएगा ताकि शॉर्ट सर्किट लगे तो ये वायर जल जाए, उसके बाद इसमें लगा दीजिएगा। अब चलिए इसमें हम लाइन देते हैं। इसमें लाइन दे दिए, देख सकते हो यहाँ पे इंडिकेटर में लाइन यहाँ पे चला आया। अब चलिए इसमें हम कोई एक सामान लगाकर चेक कर देते हैं। अब यहाँ पे हम एक बल्ब होल्डर ले लिए, यहाँ पे बल्ब को रख दे रहे हैं और यहाँ पे इस सॉकेट में लगाकर इस स्विच से हम कनेक्शन किए हैं दोनों सॉकेट को। तो ऑन करेंगे तो देखिएगा ये बल्ब यहाँ पे जलने लगी। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।